क्या आप लोग जानते हैं कि मुझे टोन पेपर के ऊपर ड्रॉ करना इतना ज़्यादा क्यों पसंद है? तो आज मैं अपने ही दो ड्राइंग रिजल्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा टोन पेपर के ऊपर ड्रॉ करना पसंद है, कैसे एक छोटी सी एड ऑन जब हम करते हैं वाइट चारकोल पेंसिल से तो पूरा का पूरा रिजल्ट अपने आप कैसे चेंज हो जाता है। और ये दो ड्राॅइंग्स मैंने अपने चैनल पर पब्लिश भी की थी विद ट्यूटोरियल ऑल्सो, तो आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एक छोटी सी पेंसिल क्या कमाल कर सकती है, इस बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दो ड्राइंग्स मैंने की थी और उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हैं वो दो ड्राइंग्स जो कि मैंने अभी लेटेस्ट की थी और इस चैनल पे अपलोड भी किया था, जिसका ट्यूटोरियल मैंने। तो ये दो ड्राइंग्स जो हैं फ्रेंड्स, ये टोन पेपर हैं, बहुत हल्के टोन पेपर हैं, मतलब ग्रे साइड के टोन पेपर हैं। और इसमें हमने बाकी सारा एरिया जो है वो ग्रेफाइट से कैप्चर किया, इसमें भी हमने वैसे ही किया, ग्रेफाइट से पूरा एरिया कैप्चर किया है। एंड देन जो सबसे लास्ट में हमने वीडियो के एक हाईलाइट यूज़ किया था, वाइट चारकोल पेंसिल को यूज़ किया था, दोनों ही में ही ऐसा किया। यह थोड़ा सा लाइट शाइन कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ग्रेफाइट के रिजल्ट्स को एंड देन उसके बाद वाइट जो हाइलाइट्स हैं उनको अचीव किया। और ये आपको सर्टेनली एक डिफरेंट लेवल पे ले जाता है, आपके आर्टवर्क को रियलिज्म पे ले जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे वो जो हाइलाइट्स हैं हमारी, जो वाइट चारकोल से मैंने की हुई है, और कैसे इसको बिल्कुल आर्टवर्क को एक नया आयाम दे देता है, एक नया रियलिज्म का अप्रोच निकाल के दिखाता है। तो ये है जनरल्स की वाइट चारकोल पेंसिल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि कैसे ये एक अकेली चारकोल पेंसिल हल्का सा हाईलाइट और पूरा का पूरा आपका ड्राइंग का स्टाइल, रियलिज्म का अप्रोच वो बदल जाता है। आप एक सर्टेन डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं, और वो भी खासकर जब टोन पेपर पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वाइट पेपर के ऊपर वाइट चारकोल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपके पास डेफिनेटली पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा टोन्ड हो, थोड़ा सा कलर जो हो वो या तो फिर ग्रे साइड हो या ब्राउन साइड हो। ब्राउन पे तो मैंने बहुत सारा किया हुआ है ऑलरेडी, जो आप लोगों ने देखा होगा। ये जो है ये ग्रे साइड के टोन पेपर्स हैं, और अभी जो नेक्स्ट मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो भी ब्लू पेपर पे है, ब्लू टोन पेपर के ऊपर है, तो वो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। जल्दी ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा उसको जब वो फिनिश हो जाएगा। तो ये सोच सकते हैं आप कि एक चारकोल पेंसिल ने कैसे ड्राइंग के अप्रोच को बिल्कुल ही बदल दिया। बस आपको करना क्या रहता है कि आपको कुछ जगहों पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर मैंने वाइट चारकोल को यूज़ करके वैल्यूज़ के साथ कैसे डिफरेंटली प्ले किया है, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कैसे दोनों ही ड्राइंग्स में ऐसा किया है। पहले तो प्रोसेस वही है जो कि हम ब्लैक से चलते हैं, नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल्स को यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसमें एक सर्टेन चेंज करते हैं, वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, हाइलाइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ इस तरीके के आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और एक बहुत अच्छा ड्राइंग पोर्ट्रेट आप क्रिएट कर सकते हैं रियलिज्म में भी और टोन पेपर के साथ। ये टेक्सचर्ड भी है पेपर, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि एक छोटी सी वाइट चारकोल पेंसिल कैसे गेम को चेंज करती है। अगर आपने इनके ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इनके सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं मेरे ही चैनल पे, वो ज़रूर देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कैसे मैंने इसको लास्ट में यूज़ किया है। बिल्कुल शुरू में हम नहीं किए, बिल्कुल शुरू में जैसे हम नॉर्मली चलते हैं वैसे ही चले, लास्ट में मैंने इस पेंसिल को यूज़ करके कैसे रिजल्ट्स को बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है? तो वो ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। इसकी बाइंग लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वाइट चारकोल पेंसिल है ये, आपको अवेलेबल है मार्केट में, सीताराम स्टेशनरी में भी ये अवेलेबल है, वहाँ पे से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा अगर आप वहाँ से कुछ परचेज़ करना चाहें तो। बहुत कुछ है उनके स्टोर में भी जो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।